हम क्या करेंगे, आई आई सेम उसी तरह जो अभी हमने एग्जांपल में किया कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 10 log 3 की, एंड 10 log आपके पास लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 3 इक्वल होता है 0.477 के इक्वल होता है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में हमने बीटा की वैल्यू पुट नहीं की, ठीक है, डेल बीटा था ना हमारे पास फार्मूले में, तो डेल बीटा हमने कितना निकाला था, यहाँ पे डेल बीटा हमारे पास आ गया था 2 बीटा से, तो यहाँ पे हम 2 बीटा लिख रहे हैं, 2 बीटा इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4.77। बट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इंटेंसिटी लेवल मीन के, हमने बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4.77 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड होके बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2.39 डेसिबल में साउंड लेवल आ जाएगा, अंडरस्टैंड। सो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज आ जाएगा 2.39 डेसिबल का। तो 10th क्लास ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल का एक फुल टॉपिक, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। और उसके साथ के हमने आज पढ़ी, आज हमने 2 न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल 11.1 एंड असाइनमेंट 11.1, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल एंड 1 टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।